न्यू हीरा स्कूल में सुनीता ने दी अपराध और बचाव की जानकारी। रेवारी कस्बा कुंड के न्यू हीरा स्कूल में आज दुर्गा शक्ति की अधिकारी सुनीता देवी ने स्कूल के विद्यार्थियों को दुर्गा शक्ति टीम के साथ साइबर अपराध सहित सोशल मीडिया तथा अन्य अपराधों की जानकारी दी तथा उनके बचाव के तरीके के बारे में भी बताया। सुनीता ने कहा, आज के आधुनिक युग में मोबाइल सभी के पास होता है और इसके दुरुपयोग से जुर्म किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने तथा पुलिस की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आप को सुरक्षित किया जाए। सुनीता ने बताया कि अपने फोन की जानकारी को सार्वजनिक ना किया जाए तथा अश्लीलता ना फैलाए। पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ERV तैनात किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। आपातकाल स्थिति में महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अन्य किसी प्रकार के अपराध रोकने के लिए भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इस मौके पर दुर्गा शक्ति टीम की तरफ से मनीषा व बबीता सहित न्यू एरा स्कूल का स्टाफ एवं विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। स्कूल संचालक मास्टर नरेंद्र सिंह तथा स्कूल प्रिंसिपल ने जागरूकता अभियान के लिए दुर्गा शक्ति टीम को धन्यवाद जताया। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। मैम, आज आप यहाँ स्कूल में हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये हम बच्चों को अवेयर करने के लिए दुर्गा और 112 ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस, जो यात्री यात्रा करते समय उनको जो भी परेशानी आती है तो इस सेवा से वो अपना फायदा ले सकते हैं, अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। 112 के लिए बच्चे किसी भी सुनसान रास्ते में या फिर घर में अकेले हो, किसी चीज़ की कोई आपत्ति आती है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो 112 पे कॉल करके अपनी नीड रख सकते हैं और उस पर कुछ ही मिनट के दौरान ERV वहाँ पे पहुँच के उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करके उसको फैसिलिटी देगी, उसको सेफली हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की, पुलिस की है पुलिस की, फायर की है वो फायर की, कम्प्लीट करके उसको सेफली करेगी। मैम, एक आपने अभी बताया कि लेट नाइट में अगर कोई लेडीज व्हीकल्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती या नहीं मिलता है तो उसको ERV किस तरह से कोऑपरेट करती है? उस पर सर सबसे पहले 112 पे कॉल करके और अपनी बात रखनी पड़ेगी, उस पर फिर डिपार्टमेंट कंट्रोल के माध्यम से लिंक शेयर करेगा, उसको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस पर अपनी बात बतानी पड़ेगी, मैं किसी कारणवश से यहाँ पे लेट हो गई थी, तो हमारी नज़दीक जो ERV होगी वो उसके पास पहुँच के उसको सेफली अपने व्हीकल से जो ERV है वो उसको उसके स्थान पर उसके घर पर उसके पेरेंट्स के पास पहुँच जाएगी।